Thank you.
बस शुरू करने वाले हैं दोस्तों, और कैसे हो आप सब लोग दोस्तों, लाइक कर दो स्ट्रीम को, और जो जो भी नया है भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। डेली खेलने के लिए कस्टम रूम, बहुत ही शानदार मजेदार भाई कंपटीशन मैच। पुल ओवर कंपटीशन लाइक T2 कस्टम्स। थ्री मिनट्स लेफ्ट गाइस, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सारे के सारे। लोबी कर दो दोस्तों, मैं तभी स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो फिर दो मिनट बचे हैं स्टार्ट करने में। 9:28 हो चुके हैं दोस्तों, फटाफट से दोस्तों स्ट्रीम खोलो और लाइक का बटन दबा दो यार। स्ट्रीम XTX नोबिता, क्या बात है भाई, XTX वाले एक्सट्रीमर्स। One minute left guys, only 1 minute. 86 की लॉबी भाई, क्या बात है। मैंने मैसेज में ना 920 मैसेज डाल दिया था, उस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत तो मेरे को भी हो रही है, क्योंकि स्टार्ट तो 9:30 बजे ही होना था। I'm just about to start, 10 seconds. करते बंद, मैच करते शुरू। तो कैसे हैं आप लोग गाइस, टीमें चेक करते हैं आज कौन कौन सी टीमें हैं भाई। WTF दूसरी OP की टीम भाई हमेशा की तरह हाजिर, लौंडे काफ़ी तेज, JSP 12 की टीम, B4U वाले भी हैं भाई, BRS वाले। WTF की दो टीमें आती है भाई, ब्लड एंड गोस्ट भी है, एटम भाई, HP 12 की टीम भी है भाई, सैम्बो है भाई। WTF वाले तो मेरे को लग रहा है पूरा क्लैन ही आता है भाई इनका कस्टम खेलने, बहुत ही बढ़िया भाई। INC वाले भी आए हैं भाई, अशीना बीस्ट बाबा किलर ऋषि एंड बिग टैथ ठाकुर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हुए भाई। हॉर्नेट टीम भी आई है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों प्लेन देखते हैं भाई, प्लेन जा रहा है यसनाया से जोधपुर सिटी की तरफ, बट फिर भी देखना कुछ लोग मिलिट्री बेस नोवो तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 89 बंदों की लॉबी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। देखते हैं आज सबसे ज़्यादा किल कॉल करता है भाई, किल मैटर करते हैं दोस्तों, मोस्ट टॉप असल्टर जो होता है मैच का भाई वो होता है बंदा सबसे बढ़िया मैच का। चिकन डिनर वाली टीम उसके बाद में आते हैं भाई, सबसे पहले बंदा आता है टॉप असल्टर। नंबर 17 भाई शेल्टर की तरफ निकलते हुए लौंडे, ये सुनाया हमें कोई उतरा ही नहीं है,
भाई ऐसा खौफ। हेलमान ओपी थैंक यू ब्रो, सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को यार। जो जो भी दोस्तों नया है स्ट्रीम पे जुड़ चुका है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को भाई, और कुछ नहीं मांगता यार। यहाँ पे छोटे घरों में उतरे भाई रुद्र, शीश भाई की ड्रेस येटी बहुत ही बढ़िया भाई, अंतर्यामी भाई, हमसे पिलोगे घंटों हिलोगे, ये डायलॉग है उनका भाई। टीम नंबर 6 इनके नज़दीक में है भाई रुद्र शीश के भाई, क्या बात है। वन रिक्वेस्ट वाले और UMP मिल चुकी है भाई, रश कर देना चाहिए, लॉन्डो के पास तो भी गन भी नहीं है, नंगे घूम रहे हैं। अरे 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 भाई काफी तेज। सेफ हो चुके हैं भाई वो लोग। नर्फी भाई ने यहाँ पे भाई किसी को नॉकआउट किया है यहाँ पे भाई, एक बंदा इनका नॉकआउट होता हुआ, बिग दर्द ठाकुर भाई टीम नंबर 6 वाले लॉन्डो ने भाई इनका एक बंदा नॉकआउट किया हुआ है, डैमेज भी दिया। भाई अकेला लड़ रहा है रुद्र जी, बहुत बढ़िया भाई, दो नॉक कर दिए, आखिरी बंदा बचा है यहाँ पे, उसने भी जंप किया, अपने टीममेट को रिवाइव देने जा रहे हैं भाई, काफ़ी अच्छे, बहुत ही बढ़िया भाई। भाई नरवी ने विवेक कुमार एंड अमित मनचंडा को नॉकआउट कर दिया भाई, इनकी तरफ भी चलते हैं ज़रा, बट यहाँ पे रुको जरा यहाँ की सिचुएशन देखते हैं भाई। लौंडे को रिवाइव मिल रहा है, अब रुद्र शीश भी गए हैं रिवाइव देने, अब सबके सब वो रिवाइव हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट जी नहीं अभी यहाँ पे भाई, एक को रिवाइव दे रहे हैं, रिवाइव हो जाएंगे लौंडे फिर से। संधू की हेल्थ काफ़ी लो, रुद्र शीश के भाई दो बंदे कुछ कहीं दूर है इनके, यहाँ पे पास में नहीं है, डुओ भी 4 ही हो रखा है इनका, बट पीछे से इनके टीममेट्स यहाँ पे आते हुए भाई। कफिन प्रो भाई के पास चलते हैं भाई, कफिन प्रो यहाँ पे खुद नॉकआउट होते हुए, वांटेड अरेना एंड हनी लगाना भी है इस मैच में भाई, कफिन मैक भी है। टीम नंबर 7 वाले लौंडे भाई थोड़ा ऊपर के परस्पेक्टिव से देखते हैं, टीम नंबर 2 के साथ फाइट चली है इनकी, कफिन प्रो नॉकआउट पड़े हुए हैं, टीम नंबर 2 का एक प्लेयर नीचे है भाई, इनको दिखाना पड़ेगा लौंडा क्या करता है भाई यहाँ पे। ओहो भाई कफिन मैक ने एक नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया, मनी आए हैं भाई यहाँ पे, एक दूसरे को भी नॉकआउट कर दिया और फिनिश भी करेंगे यूजी से, और यूजी से भाई पूरी टीम ख़त्म, बट दो बंदे नॉक पड़े हुए थे इनके भाई। टीम नंबर 7 की यहाँ पे अच्छी फाइट हुई, अब चलते हैं भाई ब्रूजर्स या फिर चलते हैं फ्लेयर की तरफ। यहाँ पे भाई यहाँ पे इनका टीम नंबर 16 के पास चलते हैं दोस्तों, फ्लेयर चला रखी है लॉन्डो ने, और कहाँ फाइट हो रही है, ब्लिड्स वालों के पास चलते हैं भाई, ये ब्लिड्स वाले कहाँ हैं अब। BRS है ब्रो, सब्सक्राइब है भाई, हॉर्नेट की फाइट दिखाओ भाई, हॉर्नेट वालों की फाइट भी दिखा देते हैं। यहाँ पे ब्लिड्स वालों की फाइट चली हुई है, आई थिंक सवर्णी में उतरे हुए हैं लौंडे, ओके तो BRS वालों के साथ फाइट हो रखी है इनकी, बहुत ही बढ़िया नॉकआउट पड़े हुए हैं यहाँ पे। हर्षा रिवाइव मिल चुका है उनको, हेल्थ किट भी लगा ली है, कनिष्क को नहीं बचा पाए यहाँ पे ये, हर्षा के पास तो गन भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। ब्लिज वाले लौंडे काफ़ी अच्छे, काफ़ी तेज नेट कर रहे हैं भाई, काफ़ी बढ़िया, बट भाई ऑन मत करना, ऑन नहीं ना करना, ठीक है ब्लास्ट हो जाएगा ना, कोई नहीं। हैं उसमें ना जो प्रेसर है ना, हाँ जो उसकी मिडिल में पॉइंटर है, हाँ 215 पे सेट है, अच्छा उसे डाउन नहीं आना चाहिए, अगर डाउन आएगा तो चलाना। आप क्या जा रहे हो? अभी मेरे खाने के लिए सामान तो पहुँचाना पड़ेगा यार, ये ठीक करके नहीं तो गैस नहीं लेके आए अभी आप? कौन सी
फिर क्या फायदा? जो लेके आए क्लास यार। अच्छा भाई टीम नंबर 14 वाले काफी बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पर। टीम नंबर 14 में पूरी टीम खत्म कर दी भाई ब्लेड्स की इन्होंने। क्या बात है भाई, BRS OP इन द चैट गाइस। भाई अब चलते हैं, अब कहाँ चले यार भाई इनकी, यार टीम का पता नहीं चलता भाई। हॉर्नेट टीम को दिखाते हैं दोस्तों, 0 किल है अभी इनके। जोधपुर सिटी में उतरे हुए, इनके आसपास कोई भी बंदे नहीं है भाई। रुको जब तक मुझे पचिंकी में जाने दो, पचिंकी में चलते हैं। टीम नंबर 13 वर्सेस टीम नंबर 11, यहाँ पे फाइट्स की डिबेट चली हुई है दोस्तों। दो ही बंदे हैं, नहीं तीन बंदे हैं भाई INC वाले यहाँ पे। INC अशीना बैरल के साथ है न्यूजी। ग्यारह बंदों की वॉचिंग आ रही है दोस्तों। लाइक कर दो भाई स्ट्रीम को प्लीज, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को भाई, जो जो भी नए जुड़े हैं मेरे साथ में। INDी बंटाई रैपर इन द गेम गाइस। भाई टीम नंबर 13 का लौंडा भी इनके पास में ही है, बट कैम करके बैठे हुए हैं। किसी को तो यहाँ पे स्टेप उठाना पड़ेगा फाइट के लिए भाई, नहीं तो तुम सारे के सारे मैप में यही बैठे रहोगे। पुचंकी इज द सेंटर ऑफ द मैप टिल नाउ। यहाँ पे टीम नंबर 7 की शायद फाइट नहीं, 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 नहीं हुई। एक किंग के पास चलते हैं यहाँ पे। लोंडो के पास भाई स्किन है, देखो कितनी है। गुकी के पास चलते हैं भाई लोंडो यहाँ पे। 57 आर स्टिल अलाइव भाइयों। तो भाई INC अशीना ने भाई पचिंकी में एक को कर दिया है नॉक आउट। अब बाकी के चढ़ रहे हैं भाई स्क्वाड हाउस के ऊपर, INC बीस्ट के ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी भाई नेड से फिर से नॉकआउट होते हुए ये लौंडे रश कर देना चाहिए भाई इनको, जब नॉकआउट किया हुआ है। डैमेज दिया उसको और घुस गए हैं भाई लौंडे। बाबा भी यहाँ पे लगे हुए हैं पीछे से, देखते हैं भाई ईगल 1-3 भाई कोई नहीं आया यहाँ पे। अशीना को डैमेज दिया थोड़ा सा बट कुछ नहीं। यहाँ पे भाई INC वाले भी लौंडे काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। INDी बंटाई भाई अच्छी लोकेशन में है बट कुछ। चलांगे पाजी ये तो हूँ सीजन 16 तक चलांगे, डेली रूम होया करेंगे पाजी। बाकी जब जिस दिन मैं घर नहीं होया करूँगा भाई उस दिन नहीं होया करूँगा, बाकी तो डेली होया करेंगे। डेली आया करो भाई खेलन, डेली कराई जाऊँगा रूम। INC वालों ने कर दी यहाँ पे टीम खत्म। पोचिंकी में काफ़ी अच्छा खेल रहे भाई ये लौंडे भी, नए आए हैं भाई वेलकम कर दो इनका अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे भाई ड्रॉप में देखते हैं, ड्रॉप में यहाँ पे फाइट तो चली है काफ़ी बढ़िया टीम नंबर 16 की, बट AWM का भाई क्या ही शॉट मारा शमन ने। टीम SVG हेड्स OP नॉक हो चुके हैं भाई, हॉर्नेट की टीम है यहाँ पे भाई। कोरोना वायरस भी लेके आए हैं साथ में, उन्हें स्पाइक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लैंक किया है, बट इनका एक टीममेट यहाँ पे नॉकआउट पड़ा हुआ है भाई, उसको तो बचाने के लिए इनको जाना पड़ेगा। टीम नंबर 16 वालों ने भाई कर दिया है रश, रोल डैडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैग होते हुए भाई।
ड्रॉप करना भी आते हैं एमके एंड M249 लेके आते हुए भाई, क्या बात है। दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को भाई, जो जो भी नया है भाई प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर करवा दो दोस्तों यार, आज तो 500 हो जाने चाहिए भाइयों। डेली कस्टम रूम खेलने को मिला करेंगे भाई तुमको भाई। हेड्स को अभी तक यहाँ पे किसी ने रिवाइव नहीं दिया है यहाँ पे भाई, डिजाबू आए हैं रिवाइव देने के लिए, थोड़ा सा रिस्की तो है बट भाई क्या कर रहे हैं, इनको बंदे ही नहीं दिख रहे। भाई यहाँ पे रिवाइव मिल रहा है और रिवाइव मिल जाएगा इनको PB16 वालों ने भाई। यहाँ पे रॉयल डैडी नॉक हो चुके हैं इनके शायद, जी हाँ इनका एक प्लेयर नॉक हो चुका है रॉयल डैडी, एंड दूसरा बंदा इनका रिवाइव हो चुका है। हॉर्नेट वाले लौंडे भी नहीं मान रहे भाई, दो इनके नॉक हो गए भाई, दो उनके नॉक हो गए, बट भाई हॉर्नेट वाले लौंडे तो पूरा ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर दिया भाई इनको। टीम नंबर 23 यहाँ पे रिवाइव देंगे काफ़ी अच्छे से भाई। इधर लौंडों के पास लूट, इनके पास दोनों के पास नॉर्मल ही है, उनके पास अच्छी लूट हो जाएगी। अब स्पाइक और वायरस दोनों ने भाई अच्छा रिवाइव दे दिया इन लौंडों को। ट्वेंटी लाइक्स तक पहुंचा दो स्ट्रीम को दोस्तों, 20 लाइक तक, ओनली 20। एंड भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को जो जो भी नए हैं यहाँ पे भाई। जोजबुल की फाइट काफ़ी अच्छी फाइट चल रही है, ये इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्लैंक किया, नेड करेंगे अब, और भाई ये नेड धमाकेदार होने वाला है जी। नहीं नेड इन्होंने यहाँ पे खुद पे ही कर लिया, नॉक कर दिया भाई यहाँ पे एस को रॉयल डैडी यहाँ पे भाई नहीं कर पाए फिनिश, रश कर दिया मेरे ख्याल से, तो भाई पूरी टीम ख़त्म कर दी है भाई। जी हाँ हॉर्नेट वाले लोंडो ने भाई पूरी टीम ख़त्म कर दी यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टीम नंबर 8 के पास चलते हैं पोचिंकी के यहाँ पे भाई, फाइट्स में रुके हुए हैं। टीम नंबर 11 वाले भी देखते हैं कहीं फाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, जी नहीं अभी तो नहीं ले रहे हैं। इमोथोर सैमबॉय की टीम भाई यहाँ पे पोचिंकी की हाइट में है, नीचे स्क्वाड हाउस में टीम नंबर 11 है, यहाँ से निकलने का सोचा है इन्होंने। जोजपुल पूरी तरह से खाली है भाई, टीम नंबर 18 इनके पास से गुजरेगी शायद, निकल जाएगी। और कहाँ कहाँ भाई टीम नंबर 17 भाई, टीम नंबर 12 की यहाँ पे फाइट हुई है डेविल की टीम के साथ, और डेविल की टीम यहाँ पे पूरी पूरी ख़त्म होती हुई। HP 12 की टीम ने भाई एक डेविल की टीम ख़त्म कर दी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही नाइस। टीम 7 को दिखाओ भाई, टीम 7 को दिखाते हैं ये लोग भाई। लो भाई 4 किल हो चुके हैं लौंडों के भाई, कहाँ है वैसे ये। ओके कफिन प्रो, कफिन मैक, राहुल हनी लबाना 72 सब्सक्राइब कर दो दोस्तों प्लीज चैनल को भाई, जो जो भी नया जुड़ता जा रहा है सब्सक्राइब करते जाओ भाई चैनल को, और बेल आइकन दबाना तो मत ही भूलना। 19 सब्सक्राइबर और चाहिए दोस्तों, सिर्फ 12 सब्सक्राइब, 500 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। टीम नंबर 25 के पास यहाँ पे टीम नंबर 3 आती हुई, उधर आशीष को यहाँ पे थोड़ा सा ही डैमेज मिला, बट भाई टीम नंबर 3 का यहाँ पे इनका एक बंदा नॉकआउट पड़ा हुआ है, और बहुत ही जल्दी ब्लीड आउट भी हो गया है।
टीम नंबर थ्री लॉयल ठाकुर को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए किंग निश नहीं कर पाए इनको पूरा। टीम नंबर एट वालों के सामने भी यहाँ पे कोई टीम नहीं है। टीम नंबर थ्री का एक लौंडा खत्म हो चुका है इनको। टीम नंबर 11 ड्रॉप के पास आती हुई, भाई ड्रॉप में गरोजा पड़ी है दोस्तों। INC बीस्ट यहाँ पे शायद आएंगे ड्रॉप लूटने मेरे ख्याल से। जी हाँ जा रहे हैं ड्रॉप लूटने भाई। ग्रोजा आएगी अब मैच में, बहुत ही बढ़िया। टीम नंबर 17 ने यहाँ पे टीम नंबर 7 को स्पॉट आउट कर लिया है भाई। HP 12 अमन OP GG इन द चैट गाइस। दमन राणा भाई के लिए भी एक बड़ा सा शॉट आउट ब्रो। स्पैम कर दो भाई चैट में पोचिंकी के फाइट्स। भाई यहाँ पे तीन टीमें हैं बट अभी भी क्लोज इन किसी ने नहीं किया है। बट जहाँ जहाँ पे भाई एनिमीज मेन स्पॉटेड होते हैं वहाँ पे एनिमीज आ चुके हैं। टीम नंबर 11 वाले लौंडे भाई शायद यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं पोचिंकी से। जी हाँ पोचिंकी से निकल चुके हैं लौंडे। गाइस तुम सब स्ट्रीम स्नाइप भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने डिले सिर्फ 30 सेकंड का रखा हुआ है। फाइट लो बस दोस्तों, फाइट लो। हर सिचुएशन के लिए भाई रेडी रहना सीखो। थर्ड पार्टी में ही हमेशा टीम मरती है। स्ट्रीम स्नाइप करके करो भाई, यहाँ पे फाइट लो। टीम नंबर 11 यहाँ पे आ चुकी है भाई। ग्रोजा M249 भी है लाउंडो के पास। अशीना INC अशीना पता नहीं क्या नाम भाई। इमोथोर को यहाँ पे डैमेज मिला। ओके भाई छत पे क्यों नहीं चढ़ रहे तुम इस घर की। सैम बॉय OP ने यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज इन करने का सोचा था बट फॉल बैक कर लिया साथ में ही उन्होंने। लौंडा नेड कर रहा है, रैंडम नेड किया यहाँ पे इन्होंने बट काफ़ी लो हेल्थ कर दी है भाई इन्होंने बंदों की। हॉर्नेट दिखाओ भाई, हॉर्नेट वालों को दिखाते हैं अभी। यहाँ फाइट चली है, वैल्यू की फाइट दिखाते हैं। कोई भी नॉकआउट नहीं हो रहा भाई यहाँ पे। 4v3 की फाइट है दोस्तों। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पे छत पे चढ़ता भाई, इस रेड घर की छत पे चढ़ के मार सकता भाई। क्या ही प्यारा नेड किया था भाई यहाँ पे बीस्ट भाई ने। सैम बॉय को यहाँ पे डैमेज दिया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए बल्कि। TPP वर्सेस TPP फाइट चली है यहाँ पे, नो मो फाइट। ओके दोस्तों अब गुक्की के पास चलते हैं भाई। बंदे ने नर्फी को नॉकआउट किया बट यहाँ पे इनके खुद भी भाई अर्शी और दूसरे ग्रोवर नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पे भाई। नर्फी रघु तो भाई ख़त्म ही। अच्छा ओके 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 भाई यहाँ पे हर्षा ख़त्म हुआ है। विश्व राणा भाई यहाँ पे स्प्रे दे रहे थे अपने टीममेट को, रिवाइव नहीं दी स्टिल। अर्शी को यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं, देखते हैं भाई रघु को रिवाइव, रघु यहाँ रिवाइव दे पाता है या नहीं। यहाँ पे भाई BRS के पीछे से भाई गुक्की ने फ्लैंक किया है। सैम बॉय बिग फैन, सैम बॉय के लिए शूट आउट भाई, वेरी बिग शूट आउट टू सैम बॉय ब्रो। भाई गुक्की को दिखाना पड़ेगा पीछे से थर्ड पार्टी करने का। DP है इनके पास भाई, काफ़ी इजीली ले सकते हैं बट थोड़ा सेफ खेल रहे हैं यहाँ पे भाई। नर्फी को रिवाइव भी मिल गया है, फंस चुकी है भाई बट BRS की टीम यहाँ पे। बहुत ही मुश्किल है भाई इधर से निकलना। सो भाई आर्चर को भी रिवाइव दिया जा रहा है, स्मोक हो गई है, काफ़ी इजीली रिवाइव मिल रहा है। अब लॉन्डे रिवाइव हो चुके हैं भाई, अब यहाँ पे ये लोग फाइट लेंगे। आर्चर को नॉक कर दिया भाई, यहाँ पे भी नॉक कर दिया भाई। मेरे को लग रहा है पीछे से भाई नर्फी तो यहाँ पे ख़त्म ही होने वाले हैं। जी हाँ भाई रिवाइव देना चाहिए था पहले इनको नर्फी। ओके ओके काफ़ी लो हेल्थ थी यहाँ पे, नॉकआउट कर दिया।
आते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोप तो नहीं है उनके पास, बट स्टिल भाई बच जाएगी यहाँ पे। बट बीआरएस वालों ने भाई क्या यहाँ पे सबको नॉकआउट कर दिया है। जी हाँ भाई, तीन बंदे यहाँ पे इनके नॉकआउट पड़े हुए हैं। गुकी उधर अकेले रह गए हैं। बीआरएस वालों ने भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा, ओहो भाई नर्फी यहाँ पे फिर से नॉकआउट हो गया है। रघु बचा है भाई अकेला। भाई इनकी टीम तो पूरी ख़त्म होगी, पीछे से आके थर्ड पार्टी हो गई। भाई आज लक यहाँ पे बीआरएस वालों का काफ़ी अच्छा रहा भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। भाई किंग के पास चलते हैं, इन्होंने भी यहाँ पे फाइट तो ली है, बंदे तो नॉकआउट किए हैं भाई। रॉयल ठाकुर के बंदे नॉकआउट हुए हैं। टीम नंबर 11 भी भाई यहाँ से निकल चुकी है। सैम इमोतोर की फाइट और सैम बॉय की टीम भाई यहाँ पे स्क्वाड हाउस में, आज उसी स्क्वाड हाउस में है अभी भी, बट इनके पास है टीम नंबर 11 भाई, निकल चुकी है। किंग भाई को देखते हैं भाई, हेलमेट नहीं है इनके पास। लो करेक्टर इनका 15 की वॉचिंग हो रही है दोस्तों, क्या बात है भाई। सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को दोस्तों प्लीज़, एंड लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई। किंग के ऊपर यहाँ पे टीम नंबर 11 का बंदा यहाँ पे भाई फुल रश के मूड में लग रहा है मुझे। 1v1 फाइट, बट ऊपर से देखते हैं यहाँ पे इनको कवर मिल पाएगा इनके टीममेट्स की तरफ से। मुश्किल तो है ही भाई, टीम नंबर 3 के बंदे भाई काफ़ी थोड़ा दूर है पीछे इनसे। अपने टीममेट्स को बुलाना चाहिए इनको आगे आगे कि जल्दी आओ। भाई ग्रोजा है भाई बीस्ट भाई आपके पास, आप पे क्लोज आउट कर सकते थे भाई, क्लोज आउट करना था और यहाँ पे नॉकआउट भी कर दिया भाई किंग भाई को। क्या ही बेट बनाया इन्होंने भाई। ट्रिपी सॉल एक्स यहाँ पे भाई अशीना को डैमेज दिया इन्होंने भाई। WTF वाले फिर से फाइट ले रहे हैं, वाटर सिटी में फाइट चली है टीम नंबर 18 की। ओके भाई यहाँ पे आ चुकी है सैमबॉय की टीम, यहाँ वाटर सिटी में आ चुकी है। वो लोग भी वहाँ से निकल चुके थे, थोड़ा दूर दूर का मामला है। तो भाई ने पूरा को नॉक किया सैमबॉय ने, बहुत ही बढ़िया 2x चला रहे हैं भाई कार 98 के ऊपर, क्या बात है। अंकित को देखते हैं, अंकित यहाँ पे M4 चला रहा है। ओ मैं देख ला मारा पंडरा नहीं आया या फिर लोकेशन पर के लोकेशन जाने में नहीं कोम के गल नहीं है, गल नहीं आया या 21 बंदों की वॉचिंग आ रही है दोस्तों, क्या बात है। भाई लोकेशन पर के पे जाते थोड़ी को लाइक कर दो दोस्तों, जो जो भी नए हैं भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब्सक्राइब द चैनल भाई। कल फिर से कस्टम हुआ करेगा भाई, डेली कस्टम हुआ करेगा भाई। आप नहीं खेलते भाई, मैं बस इस मैच के बाद ही खेलना शुरू कर दूंगा, स्ट्रीम भी करूंगा आज। ऋषभ की टीम भाई ख़त्म हो चुकी है पूरी, बीआरएस वालों से फाइट हुई थी उनकी, गुप्पी अकेले बचे हुए थे। गुप्पी पीछे से थर्ड पार्टी कर दी किसी ने। भाई जोन काफ़ी छोटा हो चुका है और 23 अलाइव हैं भाई स्टिल। टीम नंबर 11 के पास चलते हैं, तो भाई दो बंदे इनके तो यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई है जी हाँ, हॉर्नेट वाले लोंडो ने भाई INC की टीम ख़त्म कर दी दोस्तों। लैग पता नहीं क्यों हो रहा है मेरा फ़ोन यार। भाई AWM चला रहे यहाँ पे हेड सोपी, काफ़ी अच्छे बहुत ही बढ़िया। टीम नंबर 3 का भी यहाँ पे एक प्लेयर आता हुआ, सिंगल सोलो प्लेयर है शायद भाई। AWM का शॉट लो भाई, है तो भी भाई AWM का शॉट लेना चाहिए आपको। डैमेज मिलता हुआ और फिनिश भी हो गया भाई, हेड्स भाई ने लेट के क्या ही स्प्रे मारी भाई साहब।
लौंडे तो काफी तेज है। सैफबॉय की टीम के पास स्कोप भी नहीं है ना ही अच्छी लूट है भाई। हॉर्नेट वाली टीम आज फिर से शायद चिकन निकाल सकती है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके पास भाई लूट काफ़ी अच्छी है। लॉन्डो के पास ग्रोजा है, M249 है, MK भी है किसी के पास भाई। ये देखो भाई ग्रोजा है, स्पाइक को दिखाते हैं भाई, स्पाइक के पास MK है, वायरस के पास भी ग्रोजा है, जीवाजू के पास M249 एंड AWM है। की तरफ चलते हैं भाई, टीम नंबर 23 तो भाई जोन से बाहर है अभी। तो भाई कॉफिन प्रो को ख़त्म कर दिया भाई टीम नंबर 18 के प्लेयर ने, डेंजरस ने। यहाँ पे भाई भाई बंदा नॉकआउट किया था, बट यहाँ पे देखना ये भाई फिनिश आउट भी करेंगे, अब रिवाइव देंगे टीम नंबर 7 वाले लौंडे भाई काफ़ी बढ़िया। TS डेंजरस अकेले बचे हुए हैं यहाँ पे टीम नंबर, भाई यहाँ तो नेड करने की ज़रूरत नहीं थी। हनी लगाना भाई WTF कैट, एक किल मिल गया होगा लौंडे को। टीम नंबर 7 का अकेला बंदा बचा हुआ है, BRS वाले दो लौंडे बचे हुए हैं भाई, पूरे ही फंसे हुए हैं। रघु यहाँ पे भाई नॉकआउट होता हुआ, रिवाइव भी मिल जाएगा भाई। इमो थोर के पास चलते हैं, काफ़ी बढ़िया भाई। टीम सतारा को दिखाओ भाई, टीम सतारा को भी दिखा रहे थे, फाइट होके हटी उनकी, अब इनको कहाँ से कर रही है। ओके भाई यहाँ पे लौंडे काफी तेज, टीम नंबर 8 वाले लौंडे। ओके यहाँ पे सैम बॉय नॉकआउट होते हुए, डेवाजू ने नॉकआउट किया, थोर को भी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डैमेज दिया भाई। टीम हेड्स वाले लौंडे नहीं मान रहे दोस्तों, इनको जोन में भी जाना पड़ेगा। मौका था भाई तुम सबके पास रश करने का, एक बंदा नॉक किया था भाई, एक रिवाइव दे रहा था, तो दो बंदों ने भाई क्या ही कवर देना था। गाड़ी है पर इनके पास, ये इजीली भाई यहाँ पे क्लोजिंग कर लेंगे। टीम नंबर 7 का बंदा भी भाई यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ अकेला बचा हुआ, यहाँ पे ये मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि भाई इनको साउंड आएगी और आ ही। गाड़ी का कवर बना के रोकना चाहिए था इनको भाई। BRS वाले लौंडे यहाँ पे HP 12 के साथ फाइट ले रहे हैं भाई। वांटेड अरेना ने WTF अंकित को नॉकआउट कर दिया भाई, वो लौंडा अकेला बचा हुआ भाई टीम नंबर 7 का, और ख़त्म भी हो गया। अंकित को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, जोन में है भाई ये लोग अभी भी। भाई 13 बंदे बचे हुए हैं, 5 टीम में हैं बीवी दोस्तों। भाई HP वाले लौंडों के पास यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ, एक नॉकआउट हुआ था, रिवाइव मिल जाएगा इजीली, बट टीम नंबर 8 वाले लौंडे भाई ओपन में जोन है, टीम नंबर 18 के पास जोन जा सकता है। भाई सारे के सारे बंदे भाई इन्हीं को मारने में लगे हुए हैं, हॉर्नेट की टीम को ही भाई। इमो थोर को नॉक कर दिया नर्फी ने उधर टीम नंबर 18 के बंदे को, मौली भी कर रखी है भाई इनके ऊपर, एक अच्छा नेट होता तो भाई। ओहो हो भाई नर्फी क्या ही स्प्रे कर रहे हैं, बहुत ही गंदी स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों। 4 सेकंड बचे हैं इनके पास,
और इनको जोन में भी निकलना है। यहाँ पे देखते हैं भाई अंकित यहाँ पे रिवाइव दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं टीममेट को। भाई इनको जोन में भी जाना पड़ेगा। रघु यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन में है भाई घर की, इनको भी जोन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई एक किल ले लिया भाई जोन से नॉकआउट। और एच पी 12 अमन तो यहाँ पे नॉकआउट हो गए। नर्सी को दिखाते हैं भाई टीम WTF पूरी तरह से ख़त्म भाई। बट टीम नंबर 23 वाले लोंडो का कवर बनाया, सारा काम आ चुका है, एक ही बंदा बचा है भाई एक्सप्रेस और नर्फी ने भाई यहाँ पे नॉकआउट भी कर दिया। दो बंदे नॉकआउट पड़े हैं इनके भाई, रश कर देना चाहिए अभी तो फिलहाल, या तो नेड कर देने चाहिए भाई। दो बंदे नॉकआउट है, 1v2 ही बचा है सिर्फ जी। नहीं यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अब हार्ड होती हुई, एक बंदा रिवाइव हो चुका है, दूसरे बंदे को भी रिवाइव दिया जा रहा है। ये देखते हैं हॉर्नेट वालों के पास भी जोन नहीं है, नर्फी के पास भी जोन नहीं है। यहाँ पे पैनिक नहीं होना पड़ेगा भाई, जोन में निकलना पड़ेगा तभी यहाँ पे कुछ कर पाएगा। नर्फी के परफेक्टिव से दिखाते हैं भाई, अकेला लौंडा बचा हुआ है भाई। वहाँ पे दो दो में वहाँ पे बंट गए हैं लौंडे और यहाँ पे हुआ। और भाई यहाँ पे चिकन डिनर टीम हॉर्नेट का यहाँ पे भाई काफ़ी ही बढ़िया चिकन डिनर भाई। नर्फी ने 10 किल कर दिए आज तो, क्या बात है भाई। टॉप असल्टर ऑफ द मैच भाई नर्फी भाई, क्या बात है भाई। और यहाँ पे चिकन डिनर वाली